नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और आपको पता ही होगा उनके ऊपर आरोप है शराब घोटाले में शामिल होने का। इससे पहले उनके सांसद संजय सिंह, मंत्री मनीष सिसोदिया और इसके अलावा कई और लोग भी जेल के अंदर मौजूद हैं और अब उन्हीं का साथ देने के लिए अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंच गए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, जो लगातार आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि ईडी के पास सबूत क्या है, क्योंकि ना ही तो ईडी उस कैश को ढूंढ पाई है जो कि शराब घोटाले से आया था और ना ही इसके अलावा कोई दूसरा सबूत ईडी के पास है। ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने भी इसी बात को कई बार दोहराया। लेकिन चलते चलते आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल एक बड़ा धमाका कर गए। धमाका ये था कि ईडी ने जब कोर्ट के सामने ये बताया कि अरविंद केजरीवाल ने कबूला है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो कि उनकी मंत्री है उनको विजय नायर रिपोर्ट करता है, यानी कि क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज के तार भी शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। लेकिन चलिए एक बार फिर से वापस आते हैं सबूतों पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि ईडी लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे और अगर जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो सबूत इकट्ठा करने में ईडी को परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो एप्पल के आईफोन है उनका पासवर्ड बताने को कतई राजी नहीं है अरविंद केजरीवाल। आखिरकार उसमें क्या छुपा हुआ है जिसको बताने से कुछ ऐसा निकलकर बाहर आ जाएगा जिससे मुसीबतें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ आतिशी ये कहती है कि पासवर्ड बीजेपी चाहती है क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और सारी लोकसभा चुनाव की रणनीति अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन में। अरे भैया, ऐसा क्या मोबाइल फोन में आपने रख दिया पूरी की पूरी रणनीति का खाका, जो अगर बीजेपी के हाथ लग गया तो वो पूरी तरह से देश से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी पार्टी की रणनीति बनती है तो क्या एक मोबाइल फोन में वो रहेगी या इसके अलावा कहीं और उसको सेव करके नहीं रखा होगा? और क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सारी की सारी रणनीति अपने ही मोबाइल फोन में लेके घूमते हैं? तो कहीं ना कहीं ये जांच को भटकाने के लिए दिए गए बयान है। अब ईडी पहुंच गई है आईफोन के दफ्तर और वहां से कोशिश की जा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन है उससे डाटा किसी तरह से वो निकाल सके, उसको रिट्रीव कर सके। लेकिन मुश्किलें लगातार ये आ रही है कि जब तक पासवर्ड नहीं होगा डाटा रिट्रीव होगा नहीं, डाटा का बैकअप लिया नहीं जा सकेगा। तो अब देखना यह होगा कि एप्पल ईडी को कितना सहयोग करता है। लेकिन एप्पल कंपनी ने ईडी को कहा है कि जब तक फोन का मालिक इसका पासवर्ड नहीं बताएगा तब तक उनके लिए भी डाटा रिट्रीव करना, उसका बैकअप लेना मुश्किल है। तो अब यह देखना होगा कि कब तक मोबाइल फोन का डेटा जो है वो ईडी को मिल सकता है और जिस दिन ये डेटा ईडी को मिलेगा कौन से और बड़े सबूत ईडी के हाथ लग सकते हैं, क्योंकि एक नहीं करीब चार एप्पल के आईफोन अरविंद केजरीवाल से ईडी ने जब्त किए हैं जो सूत्रों से जानकारी मिली है। और इस सब के अलावा सबसे बड़ी बात यह कि जांच के दौरान ये भी खुलकर आया था कि जब शराब घोटाला हुआ उस दौरान जिन फोनों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो फोन तोड़ दिए गए, उन फोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ऐसे में ये जो नए फोन है इनमें ऐसे कौन से सबूत, ऐसी कौन सी जानकारी छुपी हुई है जिसे बताने से अरविंद केजरीवाल बच रहे हैं? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।